आप जानते हो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक डिसीजन है कि फ्राइडे 2 बजे से लेके मंडे 6 बजे तक सुबह जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इन सब चीज़ों पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रोमिनेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के, उनके साथ हमने एक मीटिंग की है और सब लोगों की जो राय उसमें हमने ली है। और अभी लोकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, जैसे आपने देखा हमने ऑर्डर भी एक इशू किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, यहाँ टाउन में जो हमारे लोग आए हैं उनके सुझाव लेते हुए आज हमने ये डिसीजन लिया है कि दुकानें पहले भी देर वर नो रिस्ट्रिक्शंस कि हम उनको बंद करेंगे, लेकिन आज के दिन वो दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। और हमारे सभी लोगों ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया है कि सैटरडे और संडे दुकानें 2 दिन बंद रहेंगी। तो ये एक, मैं कहूँगा, एक बड़ा अप्रिशिएटिव स्टेप है जो हमारे ट्रेडर्स की तरफ से आया है कि इस कोविड पेंडेमिक में जो ट्रांसमिशन की चेन है उसको रोकने के लिए, कि वो सब लोग मिलके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़े होके उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज का दिन वो ओपन रखेंगे और सैटरडे संडे कंप्लीट बंद रखेंगे। तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा उनकी पार्टिसिपेशन के लिए। देखिए, बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल इतफाक़ नहीं करता हूँ। एक डिटेल्ड इंटरव्यू जो है मैंने अपने मीडिया कर्मियों के सामने रखा था कि किस तरह से हम जो है ये एसेंशियल मूवमेंट्स अलाउ करेंगे और नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं था, थिंग्स वर वेरी मच क्लियर। लेकिन इस बार हम एक चीज़ जो लोगों की तरफ से आई है वो आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाह रहे थे कि अब उनकी तरफ से ये एक पार्टिसिपेशन है, एक सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने में, कि वो सैटरडे और संडे बंद रखेंगे और आज का दिन वो खोले रखेंगे। जहाँ नॉन एसेंशियल मूवमेंट की बात है, आप जानते हो नॉन एसेंशियल मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें आप लोग देखते हो कोई भी आदमी अननेसेसरली मार्केट में घूम रहा है, गॉसिप कर रहा है, खड़ा है, पार्क्स में घूम रहा है, गॉसिप कर रहा है, खड़ा है। एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं या एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उसमें कोई भी रुकावट किसी तरह की भी नहीं है। एसेंशियल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होने का मतलब ये भी है कि वो दुकानें जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ रखती हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सभी स्टेक होल्डर्स की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, हमने यहाँ यूनानिमसली जो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि टाउन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज यहाँ हमारी जो मूवमेंट पिलग्रिम्स की है, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन में है या शिवखोड़ी श्राइन में लोग जो आते हैं उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ढाबाज, रेस्टोरेंट, सीटिंग पॉइंट, सीटरीज सब खुले रखे थे वो उस वजह से कि पिलग्रिम्स को कोई दिक्कत ना आए। आज यहाँ पे इसलिए स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन पे, उनकी बात सुनते हुए, और ये भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि वो जो लोग नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ रखे हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि हम कुछ टाइम के लिए खोल के आज फिर वो बंद भी कर देंगे, और कल और परसों उन्होंने कंप्लीट बंद दुकानों को रखने के लिए एक फैसला लिया है और उसका मैं वेलकम करता हूँ और उनकी सपोर्ट के लिए उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। हो चुका है पिलग्रिम्स की जो मूवमेंट है उनको जो रिक्वायरमेंट है, खासतौर पर जैसे मैंने कहा ईटिंग पॉइंट्स, वो जिस तरह से ऑलरेडी ऑर्डर इन प्लेस है वैसा ही इन्फोर्स रहे। ऑब्वियस है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे डेरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स की जो दुकानें रहती हैं वो कुछ टाइम के लिए सुबह ही वो लोग जो है प्रोक्योर करते हैं, परचेज़ करते हैं, उस टाइम के लिए तो वो खुली रहेंगी। कल और परसों वो बंद रहेंगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि सभी जो प्रोमिनेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हमारे पास आए थे, सबके साथ बड़े तफसीलन बात हुई है, तो कल और परसों वो बंद रहेंगी। देखिए, कोई भी चीज़ है वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के ली जाती है। जो आप चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं उनसे पर्सनली मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, लास्ट टाइम भी उनसे बात हुई थी और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी हुई है। एसएसपी साहब ने एक सेपरेट मीटिंग भी की थी पिछले हफ्ते और वो भी वहाँ पे भी डिस्कशंस हुई थी। कल मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई है जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया है। देखिए, आज के दौर में हर एक आदमी विजिलेंट है, हर एक आदमी को मालूम होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो डिसीजन है वो आ जाता है और सबको मालूम होता है कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है। बट कुछ तबका अगर कहीं ये चाह रहा था कि कोई एम्बिग्यूटी बनी रहे तो उसको क्लियर करने के लिए हमने पहले भी लोगों से बात करके आपके माध्यम से उनको बताया है और आज भी मैं और उसको रिट्रेट कर रहा हूँ और वो क्लियर कर रहा हूँ। कोविड का जो ट्रेंड मैं कहूँगा वो अभी अनइवन है। कुछ दिन हमारे यहाँ केसेस बढ़ जाते हैं और कुछ दिन हमारे केसेस कम होते हैं, बट इट इज़ स्टिल प्रीमैच्योर कि हम ये कुछ कह सकें कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की ज़रूरत है। हमने जो स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाई हुई है
टेस्टिंग वाली सभी लोग जितने लोग हैं वो जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सबकी टेस्टिंग हो रही है। और मेरी गुजारिश आप सबसे रहेगी, आपके माध्यम से पूरी पब्लिक से भी रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और जितने भी हाइजीन के तरीकाकार हम फर्स्ट वेव से सभी लोग जानते हैं उनको फॉलो करना है वो किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी जो ट्रांसमिशन है इसकी चेन को हम रोक सकें और कोविड पेंडेमिक से अपने आप को निजात पा सकें। आप ये जानते हैं कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वो कोविड पेंडेमिक के चलते लगी हुई हैं। ट्रांसमिशन जो है बहुत फास्ट जो है हो गया था और पर्टिकुलरली जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली बताई गई थी कि ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा, उसी के चलते नंबर जैसे ही इंक्रीज़ हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी थी वो एनफोर्स करने के लिए आदेश दे दिए गए। अब जैसे आप कह रहे हो कि अगर सूरत हाल बदली गई, नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे, हम एक अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल एट द एप्रोप्रिएट टाइम।